हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं आप लोगों के साथ रेस्टोरेंट वाले सांभर रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी कुकर में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आसान तरीके से घर पे सांभर बनाया जाए। यहाँ पे हम 125 ग्राम यानी आधा कप तूर दाल यानी अरहर दाल ले लिए, आधा गाजर, 3 से 4 बीन्स, एक टुकड़ा लौकी वेट ऑलमोस्ट 76 से 80 ग्राम, एक लाल टमाटर, एक मूंगा यानी ड्रम स्टिक, आधा बैंगन वेट ऑलमोस्ट 6 ग्राम, एक लार्ज ऑनियन को ऐसे स्लाइस करके काट लिए, स्मॉल ऑनियन यानी सांबर ऑनियन 10 से 12 पीस, थोड़ा सा चॉप धनिया पत्ता, लहसुन 10 से 12 कलियां, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, 3 हरी मिर्च बीच में से काट कर लिए, 3 टेबल स्पून इमली प्योरे, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून सांबर मसाला, 1 टीस्पून राई, 1/3 टीस्पून मेथी दाना, 2 सूखी मिर्च, 2 टीस्पून गुड़, ये ऑप्शनल है, नमक स्वादानुसार, 2 टेबलस्पून तेल लिए हैं। पहले हम तूर दाल को अच्छे से वॉश कर लेंगे एंड पानी डालकर 15 मिनट्स के लिए रख देंगे सोख होने के लिए। अब कुकर में सोख किया हुआ दाल डाल लेंगे एंड 1 टीस्पून नमक एंड 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 कप पानी ऐड करके ढक्कन लगा देंगे एंड 3 सीटी लगा लेंगे हाई फ्लेम में। जब तक पूरा स्टीम बाहर ना निकले तब तक ढक्कन ओपन ना करें। जब तक स्टीम निकल रहा है तब तक हम एक पैन में 1 टीस्पून तेल डालकर मूंगा एंड थोड़ा सा नमक ऐड करके लो टू मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। अब कुकर का ढक्कन खोलकर गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे एंड एक एक करके सभी सब्जी डाल लेंगे। आप यहाँ पे अपने मनपसंद सब्जी डाल सकते हैं, जैसे कद्दू, पपीता, आलू, भिंडी, कटहल, जिमीकंद, आपको जो पसंद। आप इसमें टमाटर, सांबर ऑनियन, लहसुन, हरी मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक, 6 से 7 कड़ी पत्ता, 1 टेबल स्पून सांबर मसाला, 2 टीस्पून तेल डालकर मिला लेंगे। अब इसमें जाएगा इमली प्योरे एंड गुड़। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो आप गुड़ स्किप कर सकते हैं, बट सांभर में थोड़ा सा मीठा मुझे पसंद है करके मैं डाली हूँ। अब 1-2 बार चला लेंगे एंड 1 कप पानी ऐड करके ढक्कन लगा के 2 सीटी लगा लेंगे। स्टीम निकलने के बाद ढक्कन खोलकर मूंगा ऐड करेंगे एंड 2 कप पानी ऐड करके मीडियम फ्लेम में पकने देंगे मूंगा को। आप पानी थोड़ा सा ज्यादा भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से। वन इम्पोर्टेंट थिंग इज, मूंगा को पहले से सब्जियों के साथ डालकर सीटी ना लगाएं, नहीं तो मूंगा ओवर कुक हो जाएगा एंड अलग अलग हो जाएगा। 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, तब तक हम तड़का रेडी कर लेते हैं। पैन गरम होने के बाद 1 टेबलस्पून तेल डाल देंगे। तेल गरम होने के बाद सूखी मिर्च को तोड़कर डाल देंगे। देन इसमें जाएगा राई एंड मेथी दाना। 1-2 बार चलाने के बाद कड़ी पत्ता, लंबे कटे हुए ऑनियन को डाल देंगे एंड थोड़ा सा नमक ऐड करके 2 मिनट तक पका लेंगे। अब इसमें मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून सांभर पाउडर ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे एंड गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब तड़के को सांभर में डाल देंगे एंड कटी हुई धनिया पत्ता भी ऐड करके अच्छे से मिला लेंगे। इस स्टेज में एक बार नमक टेस्ट कर ले, अगर जरूरत पड़े तो डाल दे। हाई फ्लेम में और 1 मिनट पकाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। हमारा मजेदार सांभर बनके तैयार। अब एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे।
गर्मा गर्म सांभर इडली, डोसा, वड़ा या चावल के साथ सर्व कीजिए। अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करते ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।